कहते हैं वो जी इसलिए बुखारी मुस्लिम में भी आता ना कि यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाके हर्रा के बाद वो उनको मना करते थे। यजीद की जब लोग बैत तोड़ रहे थे वाके हर्रा के बाद वो उनको मना करते थे। हम ये पूछते हैं जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिया थे? वो भी तो सहाबाई थे, उनकी ओपिनियन को नहीं ये लोग मानते? उन्होंने बैत तोड़ करते थे। जो बुखारी मुस्लिम में आता है, जो आता है, मिर्ज़ा जी वो पढ़ के क्यों नहीं सुना? तो पूछो मृदा जी से, मृदा जी वो जो बुखारी मुस्लिम में आता है पढ़ के क्यों नहीं सुनाया? इसलिए पढ़ के नहीं सुनाया कि अगर मृदा जी उसको पढ़ के सुना देते, जो पीछे मृदा जी इमारत खड़ी करके आए हैं कि हम ये पूछते हैं कि जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेयत करना है, क्या इस चीज की तौसीक हो जाएगी कि यजीद के खिलाफ ठीक है? ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, जिल नंबर 8 है, सफा नंबर 402 है, किताबुल फितन है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब निज़ा काला इन द कौम शयन सुम्मा खरजा फकाला बिखिलाफ ही। नाफ़िर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब अहले मदीना ने यजीद बिन माविया की बेयत से इनकार किया तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने अपने खादिमों और अपने लड़कों को जमा किया और कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, आपने फरमाया हर गदर करने वाले के लिए क़यामत के दिन एक झंडा खड़ा किया जाएगा और हमने इस शख्स की बेयत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की है और मेरे इल्म में कोई उज़्र इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बेयत की जाए और फिर उससे जंग की जाए। और देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बेयत को तोड़े और दूसरे किसी से बेयत करे तो मुझ में और उसमें कोई ताल्लुक नहीं रहा, मैं उससे अलग हूँ। और सुना भाई मेरे प्यारे, समझे नहीं कुछ बात? पूछे कोई अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला नो अहले, यानी कि वो सुनो अहले मदीना बेयत तोड़ रहे हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना रहे हैं और जो बेयत तोड़ना है ना उसको अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने क्या करार दे रहे हैं? युनसबु लिकुल्ले गादिरिन लिवाहुन यौमुल क़ियामते, क़यामत के दिन हर गद्दार के लिए। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला ने बेयत तोड़ने वाले को क्या करार दे रहे हैं? और अब तक यजीद की जो खिलाफत है वो अब्दुल्लाह बिन उमर के सामने है क्योंकि बेयत हो नहीं रही है, बकौल मिर्ज़ा जी के बेयत टूट रही है, बेयत से हाथ खींचा जा रहा है। ये वो वक्त है ता यजीद की खिलाफत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने है, उसके अच्छे अमाल के साथ उसके बुरे अमाल के साथ, उसके अच्छे अमाल के साथ उसके बुरे अमाल के साथ अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने है। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या करें? अल्लाह के रसूल की हदीस सुनाकर कि जिसने भी, यानी मेरे इल्म में कोई उज़्र इससे बढ़कर नहीं है कि किसी शख्स से अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बेयत की जाए और फिर उससे जंग की जाए। और देखो मदीना वालों, तुम में से जो कोई यजीद की बेयत को तोड़े और दूसरे किसी से बेयत करे तो मुझ में और उसमें कोई ताल्लुक नहीं रहा। इतनी सख्त बात मिर्ज़ा जी, ऐसा क्या है यजीद की बेयत में जो इतनी सख्त बात अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कह रहे हैं? और आप बेचारे पीछे कह कर आए कि जी अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेयत करने से कोई यजीद के खिलाफत की तौसीक हो जाएगी, फिर जो बुखारी मुस्लिम की रिवायत की तरफ इशारा दे दिया और रिवायत नहीं पढ़ी तो आपको भी पता था मैं रिवायत पढ़ता और मुझे यह जुमला पढ़ने की नौबत आ जाती कि जिसने भी यजीद की बेयत को तोड़ के किसी और के हाथ पर बेयत करी उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। यह साबित करता है कि यजीद की बेयत फिल वक्त सही है, यजीद की बेयत सही है, उसके खिलाफ जाना बकौल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बकौल अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके खिलाफ जाना क्या है? गलत है। रह गई ये बात कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके खिलाफ गए, वो तो मैंने अर्ज किया ना कि जब मिर्ज़ा जी ये मौजू छेड़ेंगे तो हम बताएंगे अल्लाह की दी हुई तौफीक से कि आया हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके खिलाफ गए या हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुखालिफिन के खिलाफ गए। वाह 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 जी वाह, ये तो अपनी जगह बात आएगी ना, अभी तो फिल वक्त यही है। और सुनो जरा बात को, यहां देखना जरा, यहां मिर्ज़ा जी के अंधे बहरे लंगड़े लूले मुकल्लिदीन और जो मिर्ज़ा साहब की सपोर्ट के अंदर पीछे जो रवाफिज की पूरी कौम जो आके खड़ी हुई है वो यहां फौरन हमारे ऊपर से ना नासबियत के फतवे ठोकने शुरू हो जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, मैं यहां दोहरा दूं और किसी को लगता है ना भले लगे, किसी को लगता हो ना भले लगे, लेकिन यह मैं दोहरा दूं, हम यजीद की वकालत नहीं कर रहे हैं, यह हम मिर्ज़ा साहब को टांग रहे हैं, मिर्जा साहब के दलाइल और मिर्जा साहब की औकात बता रहे हैं। ये दो बातों में फर्क है, समझ रहे हैं? और सुनो जरा बात का, कहते हैं कि जी वो जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिया थे, वो भी तो सहाबी थे। पूछते हैं जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिया थे, वो भी तो सहाबी थे। मिर्जा जी उन दिनों में नादरा में थे, समझे? अरे समझे नहीं, ये देखना जरा बात को, ये मेरे हाथ में सही मुस्लिम है, जिल नंबर पाँच का सफ़ा नंबर 810-811 किताबुल इमारत है। इमाम नववी रहमतुल्लाह ने बाब कायम किया, इसमें बाबुल अम्र बिल उदूम अल जमात इन द ज़ुहूर अल फितन व तहज़ीर दुआत इलल कुफ़्र
उसके तहत हदीस नंबर 4678 है, सुनने जरा बात को। नाफिर रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि यजीद बिन माविया के दौर हुकूमत में जब वाकया हिर्रा हुआ तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अब्दुल्ला बिन मुती के पास गए, सुन रहे हैं, अपने लड़कों से अपने गुलामों से तो बात हो गई, अब जो शोरशी हैं, मिर्जा जी ने क्या कहा है, मिर्जा जी ने, और सुने यार बात को सुनो, हम पूछ रहे हैं जो बैत तोड़ रहे थे वो बरेलवी देवबंदी शिए थे, वो भी तो साबित थे। हम कहते वाह ऐसे ऐसे, वो भी तो साबित है, ऐसे ऐसे साबित हो जाएगा है, तो तुम खलाई मखलूक हो गया साबित, क्या देने से तो कुछ भी जाएगा, क्या देने से तो, क्या देने से तो कुछ भी जाएगा मिर्जा जी, क्या देने से, हम कहते रहते ना मिर्जा जी को, मिर्जा जी राजी हैं, हैं मिर्जा जी के अंधेरे लंगड़े लूले मुकल्लिद क्या कहते रहे, नहीं कह देने से तो नहीं होता ना, आपने कह दिया कि जो वो भी तो साबित है। देखो हम आपको हदीस से बता रहे हैं, हदीस से वो कौन लोग थे, वो साबित है या कौन लोग, सुनो जरा। नाफे बयान करते हैं कि यजीद बिन माविया के दौर हुकूमत में जब वाकया हर्रा हुआ तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अब्दुल्ला बिन मुती के पास गए, और अब्दुल्ला बिन मुती ने कहा, अबू अब्दुलरहमान, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की कुनियत थी, अबू अब्दुलरहमान के लिए फर्श बिछाओ, गलीचा कालीन बिछाओ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं तुम्हारे पास बैठने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि मैं तुमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सुनाऊँ जिसको मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अमीर की इताअत से हाथ निकाल लिया वो कयामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि उसके हक में कोई हुज्जत नहीं होगी, और जो शख्स इस हाल में मरा कि उसकी गर्दन में किसी की बेअत नहीं थी वो जाहिलियत की मौत मरेगा, वो जाहिलियत की मौत मरेगा। क्या अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु सहाबा को यह बात कह सकते हैं, एक अल्लाह के रसूल का सहाबी हो, एक शख्स अल्लाह के रसूल का सहाबी है और उसे अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला ये कह रहे हो कि तू जाहिलियत की मौत मरेगा, एक शख्स अल्लाह के रसूल का सहाबी हो उसको वो उबादा बिन सामित रजी अल्लाह वाली हदीस नहीं पता होगी अमीर की इताअत वाली, जैसे कि सहाबा ने बैत की थी ना, खुद अली अल हसन नकवी ने शुरू में सवाल में ही कहा है। और अब्दुल्लाह बिन मुती कौन था ये भी आगे मिर्जा जी करेंगे बात, वहां हम इसका जिक्र करेंगे अल्लाह की तौफीक से। अभी तो जो बुनियादी तौर पर बताने का मकसद था वो ये बात थी, आप देखें कि अब्दुल्लाह बिन मुती अगर, यानी कि वो, यानी कि ये जो मिर्जा जी ने कहा कि वो बरेलवी देवबंदी शिया थे, नहीं वो ये थे, हदीस से हमें उनके बारे में पता लगा वो शोरशी कौन थे। मिर्जा जी ने इसी वीडियो में, यानी पार्ट वन के अंदर ये बात कही, बुखारी मुस्लिम को छोड़कर बुजुर्गों बाबों की तारीख लेके चलो हुक्मरानों की लिखवाई हुई तो फिर जाहिर है कि आपकी आवाम तो नहीं आपकी बात मानेगी, लेकिन मिर्जा जी आपकी आवाम ने कितनी जल्दी आपकी बात मान ली, वो भी तो साबित है, बरेलवी देवबंदी शिया थोड़ी थे, वो भी तो साबित है, आपके अब हम चुप हो गए, हमारे जैसा होता तो बोलता सबूत। सुनो मिर्जा जी कहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो अहदीस है वो कुछ और बता रही है और जो तारीख है वो कुछ और बता रही है। हदीस मैंने आपको बताई, सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर ये अल्फाज हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुती और उसके साथी थे कि जो फितना का शिकार हुए, ठीक। मिर्जा जी कहते हैं कि जी वो भी तो साबित है, तो मिर्जा जी इसका सबूत देंगे, उनकी जबानी तो यकीन करें, मिर्जा जी तो वो शख्सियत हैं, अभी अभी पिछले कुछ दिन पहले एक हमारी वीडियो के नीचे ना एक भाई ने कमेंट किया कि तुम, यानी बुक्स मिर्जा तुम में कूट कूट के भरा है, हमने भी कहा आया है कैप्टन, हमने भी नीचे कमेंट कर दिया भाई क्यों ना भरा हुआ, जो शख्स ये कहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलतियाँ हुई हैं हम उससे भी बुक्स ना रखें तो फिर लानत है हमारी ईमान के ऊपर। मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।